इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि विंडो 10 का बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड, आप भी यूज करते हो पीसी या लैपटॉप, लेकिन उसमें आपको विंडो 10 को इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना पड़ता है। और बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपके पास एक ISO फाइल होना चाहिए और आपके पास एक 8GB का पेन ड्राइव होना चाहिए। तो आपको ISO फाइल कैसे डाउनलोड करना है, तो वही वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। चलो, इस वीडियो में आपको कम्प्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि विंडो 10 का बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हो। चलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट कर दें। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको आ जाना है पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो इस हमारा जो पीसी है वही मैंने ऑन कर दिया है, और ऑन करने के बाद आपको किसी भी एक ब्राउजर ओपन करना है। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर देता हूँ, और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद उसमें आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो आपको सर्च पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको सर्च में टाइप करना है रूपोस। तो चलिए मैंने रूपोस टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, और एंटर प्रेस करने के बाद उसमें आपको फर्स्ट में क्लिक करना है, जो ऑफिशियल साइट है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलो मैं ऑफिशियल साइट पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद उसमें जो साइट है वह ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आपको इस तरह एप्लीकेशन का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको जो रूपोस एप्लीकेशन है वही आपको डाउनलोड करना है। तो चलो मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद आपको उसमें एप्लीकेशन का जो लास्ट अपडेट है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 1.1 MB का एप्लीकेशन है, वही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। तो चलो मैं रूपोस पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन है वही हमारा पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको इस तरह डाउनलोड कर देना है, और डाउनलोड करने के बाद जो डाउनलोड का फोल्डर है तो इस फोल्डर आपको ओपन कर देना है। तो हमारा पीसी में जो एप्लीकेशन है वही डाउनलोड हो गए, और डाउनलोड होने के बाद चले मैं जाता हूँ कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में जाने के बाद चले डाउनलोड का फोल्डर है तो इस फोल्डर को मैं ओपन कर देता हूँ। तो आपको इस तरह जो फोल्डर है वही आपको ओपन कर देना है। तो अभी देख लीजिए कि जो रूपोस एप्लीकेशन है वही हमारा पीसी में डाउनलोड हो गया है, और डाउनलोड होने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद आप देख लीजिए कि हमारा जो पीसी में मैंने 16GB का पेन ड्राइव कनेक्ट किया है वही हमारा पेन ड्राइव उसमें शो हो जाएगा। तो आपको इस तरह पेन ड्राइव को कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद आपको जो सिलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि आपका जो ISO फाइल है वही आपको सिलेक्ट करना है। तो चलो मैं सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद उसमें जो हमारा विंडो का फाइल है तो इस फाइल पे आपको क्लिक करके ओपन करना है। तो चलो मैं फाइल को सिलेक्ट कर देता हूँ, और मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा फाइल है वही हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद आपको जो पार्टीशन है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद उसमें आपको सिलेक्ट करना है MBR। तो मैंने MBR को सिलेक्ट कर दिया, और सिलेक्ट करने के बाद उसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देख लीजिए कि उसमें कई सारे ऑप्शन है, तो उसमें आपको कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो चलिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको उसमें एक वार्निंग देखने को मिल जाएंगे कि आपका जो पेन ड्राइव में डेटा है वही आपको ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो चलो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा पेन ड्राइव में डेटा है वही डिलीट हो जाएगा, और जो बूटेबल का जो सभी प्रोसेस है वही हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो अब देख लीजिए कि उसमें जो सभी प्रोसेस है वही जो सभी फाइल है वही हमारा बूटेबल बन रहा है। तो आपको इस तरह पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो, तो उसमें आपको टाइम भी लगेगा, तो आपको वेट करना है। तो अभी देख लीजिए कि जो ISO फाइल है वही हमारा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र हो रहा है, जो बूटेबल पेन ड्राइव है
वही हमारा बन रहा है। तो आपको इस तरह जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है तो आपको आसान तरीके इस तरह पेन ड्राइव बना सकते हो। तो आपको इस तरह जो रूपस एप्लीकेशन है तो इस एप्लीकेशन मदद से आपको जो विंडो का फाइल है वही आपको सिलेक्ट करके उसमें जो पेन ड्राइव है वही पेन ड्राइव आपको बूटेबल क्रिएट कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि जो सभी फाइल है वही फाइल हमारा जो पेन ड्राइव में ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको इस तरह जो ISO फाइल है वही सभी आपको प्रोसेस है वही प्रोसेस आपको कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद आपको क्लोज कर देना है। तो हमारा जो सभी फाइल है वही फाइल हमारा कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद चलिए मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद चलिए मैं कंप्यूटर में जाके आपको बता देता हूँ कि हमारा जो बूटेबल पेन ड्राइव सही से बन गए कि नहीं बन गए। तो उसमें जो सभी प्रोसेस है वही हमारा कंप्लीट हो गए और कंप्लीट होने के बाद चलिए मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ। तो आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है और क्लोज पे क्लिक करने के बाद चले मैं जाता हूँ कंप्यूटर में और कंप्यूटर में जाने के बाद चले हमारा जो पेन ड्राइव कनेक्ट किया है वही पेन ड्राइव में आपको बता देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा बूटेबल पेन ड्राइव बन गए। तो इस पेन ड्राइव आपको CPU से हटा देना है और CPU से हटाने के बाद आपको फिर से CPU में इस पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है। तो मैंने पेन ड्राइव को हटा दिया और हटाने के बाद चले मैं फिर से इस पेन ड्राइव को CPU में कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करने के बाद आप देख लीजिए कि हमारा जो पेन ड्राइव है तो इस पेन ड्राइव हमारा बूटेबल बन गए। तो चले इस पेन ड्राइव को मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा जो ISO फाइल है वही हमारा कंप्लीट उसमें बूटेबल पेन ड्राइव बन गया है। तो इस पेन ड्राइव को मैंने ओपन कर दिया और ओपन करने के बाद आप देख लीजिए कि उसमें जो सभी फाइल है जो सेटअप है वही हमारा बूटेबल बन गया है। तो फ्रेंड आपको इस तरह बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है तो आपको इस तरह आसान तरह के बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा सही से बूटेबल पेन ड्राइव बन गया है। तो आपको इस तरह बूटेबल पेन ड्राइव को क्रिएट करना है तो आपको इस तरह क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड जो सभी प्रोसेस था तो इस प्रोसेस में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।